महाराष्ट्र में चुनाव से पहले यात्रा पर निकले अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और फडणवीस को बताया सियासत में जूनियर। पिंक जैकेट, पिंक बस और लाडली बहन योजना का प्रचार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कुछ इस अंदाज में नासिक से अपनी जन सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 31 अगस्त तक चलने वाली ये यात्रा 39 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान अजीत पवार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही महाराष्ट्र की योजनाओं की जानकारी भी लोगों से साझा करेंगे। हमने महायुति सरकार ने जो काम किया है आज तक, वो काम के बारे में हम सब उनको जानकारी देना चाहते हैं। लोगों को बहुत सी योजनाएं लाई है, उसके बारे में उनके ये सब योजनाओं की मालूमात करने का हमारा इरादा है। यात्रा शुरू करने से चंद घंटे पहले अजीत पवार ने फिर सीएम बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ठाणे में बुक लॉन्च इवेंट में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने कहा कि मैं इनसे सीनियर हूं और अगर उन्हें सीएम पोस्ट ऑफर की गई होती तो पूरी एनसीपी उनके साथ आ गई होती। माझ्या माहितीप्रमाणे देवेंद्रजींची टर्म 99 सुरू झाली, त्याच्यामध्ये एकनाथरावांची 2004 सुरू झाली। ह्या सगळ्यांच्या मध्ये विधानसभेमध्ये सिनियर मी आहे। मी 90 बॅच आहे। बेशक अजित पवार ने ये बात मजाकिया लहजे में कही है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अजित पवार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। ABP News आपको रखे आगे।